Okay, this one. મહારાજા શેરોના જંગલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. દુનિયા કે હરેક ઇન્સાન મે અદ્ભુત શક્તિયાં છિપી હૈ, પર અક્સર હમ ઉન્હે જાન નહીં પાતે. હમ અપની કમજોરી છિપાને મે ઇતને વ્યસ્ત હો જાતે હૈ કે અપની ખૂબી કો હી નિખારના ભૂલ જાતે હૈ. तो आइए आज इस गुरु पर्व में हम सब स्वयं से मिले और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा बच्चों को कही गई दृष्टांत कथा शेरू को देखें. पधारे 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 है राजा, पधारे 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 है राजा.
जन्म लेते ही वो अपने माता पिता दोनों को खा गया। क्या करूं? माता पिता दोनों को मार डाला, खा गया। अब शगुन अपने माँ बाप को खा गया। शगुन है, शगुन बिल्कुल। शेर का बच्चा इस इलाके में? लगता है माँ बाप से बिछड़ गया है। इसे अकेला छोड़ दिया तो दूसरे जानवर इसे खा जाएंगे। एक काम करता हूं, साथ ले चलता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। आजा राजा बेटा, आजा। इससे मिलो, ये है गुटली। और गुटली ये है ये शेरू। इससे दोस्ती करोगे? वाह वाह शाबाश। पत्तियों, पौधों और घास से कैसे नफरत करता है, निमिया भी नहीं सकता। निमिया नहीं सकता, दूध नहीं दे सकता, खून नहीं दे सकता, सींग और दाढ़ी नहीं रखता, पहाड़ों पर तेज चढ़ाई नहीं कर सकता, वो सबसे अलग कैसे दिखता है? Thank you.
शेरू बिल्ली जैसा लागे, ओ शेरू तेज तेज क्यों भागे, उसको सींग नहीं क्यों आते, पत्ते घास क्यों ना भाते। देखो कैसे मुंह में कील उगे हैं जैसे, भोपू और कजरी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जब देखो तेरी मस्ती करते रहते हैं। तू उदास मत हो शेरू, मैं हूं ना तेरा बीएफ है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अरे अब इस शेरू को क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाकर बैठा है? हाँ सब चढ़ाते रहते हैं उसे बापू, क्योंकि वो सबसे अलग दिखता और बोलता है। मेरी पाठशाला में मुझे भी सब चढ़ाते हैं, मेरी मस्ती करते हैं, मेरे मार्क्स कम आते हैं ना, इसलिए मुझे अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती, इसलिए। बेटा पर इससे निराश नहीं होते, उनके मजाक उड़ाने से तुम मजाक नहीं बन जाते। भोलू तुम बांसुरी बजा सकते हो, भेड़ चरा सकते हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हो, तो ये क्या कम है? वैसे ही शेरू ताकतवर है, तेज है, फुर्तीला है, क्या क्या ये खूबियां नहीं? सबकी अलग अलग खूबी होती है, किसी दूसरे के साथ ये तुलना क्यों? मछली उड़ने की परीक्षा कैसे पास करेगी बताओ भला, उल्लू दिन में कैसे जागेगा, चील से कहोगे नदी में तैरने को तो वो थोड़ी तैर सकेगी। किसी गुण का तुम में ना होना ये अपराध नहीं, पर जो गुण तुम में है उसे न निखारना, उसे जनहित के लिए इस्तेमाल ना करना, वो सबसे बड़ा अपराध है।
ये शेर तो मिमियाता है, ये क्या हमारा सामना करेगा? देख क्या रहे हो, उठा लो पेड़ को, उठाओ। बात करते शेर, मैं तो भेड़ हूं, ऐसे ही बात करता हूं। हां, शेर जैसा दिखता तो हूं, पर तुम शेर जैसे दिखते नहीं, तुम शेर हो। ठीक से देखो आज अपने आप को, यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी प्रकृति है। तुम्हें घास इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तुम्हारा आहार है ही नहीं। तुम मिलियाते नहीं क्योंकि तुम्हारी प्रकृति दहाड़ने की है। तुम राजा हो जंगल के, सर्वशक्तिशाली हो तुम। भीड़ में जुड़कर तुम भेड़ नहीं बन सकते क्योंकि सबसे आगे चलकर नेतृत्व करना ये स्वभाव है हमारा। नहीं नहीं, मैं इसी झुंड का हूं, यही पला बड़ा हूं। तो क्या हुआ, वो तो तुम राजा, तो काम भी वैसा करना होगा। अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं सकते ना तुम। चलो जंगल में, वहां बड़ी शान से राज तिलक होगा तुम्हारा। दहाड़ो राजा शेरू, दहाड़ो, दहाड़ो राजा शेरू, दहाड़ो। डरो मत, तुम सब दोस्त हो और दोस्त रहोगे। मैं हमेशा तुम सबकी रक्षा करूंगा, पर अफसोस अब मुझे जाना होगा। शेरू, तुम हमें बहुत याद आओगे, पर हमारे लिए तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना यह स्वार्थ होगा। तुम्हें सेवा करनी है, अपना मकसद पूरा करना है। क्या अपना सिंहासन संभालो। नेतृत्व, सेवक में सेवा, राजा में राजवी तत्व और शिष्य में ज्ञान एक गुरु ही जगाता है, जो हमें अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाए, जो हमारी पहचान खुद से करवाए, जो हमारी काबिलियत निखारे
जो संसार से मोक्ष की तरफ ले जाए, वही तो होता है सच्चा गुरु। आपके अंदर बसे उस गुरु तत्व को मेरा नमन। राजा धीराज शेरू की, इनके मुकुट सजाओ, बांटो मिठाई मेवा और खाजा, सिंहासन पे विराजे है राजा। पधारे 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 है राजा, पधारे 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 है राजा। नचो गाओ झूमो ढोल बजाओ राजा आया रे, नचो गाओ झूमो ढोल बजाओ राजा आया रे, नचो गाओ झूमो ढोल बजाओ राजा आया रे, नचो गाओ झूमो ढोल बजाओ राजा आया रे। તમે પણ તમારી આંતરિક શક્તિને ઓળખી અભ્યાસમાં અને જીવનમાં